गांव देवी ढूंढा उड़ोली और भूरे स्पोर्ट्स के बीच, मतीन स्पोर्ट्स बी और सुपेगांव के बीच। फिर अगला मैच देखेंगे हम जय शिवाजी अनगांव और सोनटक्के के बीच। फिर गांव देवी शिरोले टकराएंगी मीत कवाड़ से। कोशिंबा टीम अपना क्षेत्ररक्षण सजा ले जल्द से जल्द। मुकाबला आज का समाप्त हो चुका है। पहला मुकाबला कुंदे स्पोर्ट्स कुंदे टीम ने 10 विकेटों से भव्य जीत हासिल की जारा स्पोर्ट्स मापोली टीम के विरुद्ध। आज मापोली की कई टीमें एक्शन में नजर आएंगी, जिसमें मतीन 11 ए भी एक्शन में आज, साथ ही मतीन 11 बी को भी हम एक्शन में देखेंगे। दूसरा मुकाबला अब शुरू होने जा रहा है कोशिंबे स्पोर्ट्स और तुगाट फाटा स्पोर्ट्स के बीच में। इसके बाद तीसरा मैच रहेगा चावे स्पोर्ट्स और नाजिफ 11 मापोली। चौथा मैच मतीन बल्कि गावदेवी स्पोर्ट्स ढूंढा बडवली और भूरे स्पोर्ट्स के बीच में। आज का पांचवा मैच मतीन 11 बी मापोली और सुपेगांव स्पोर्ट्स के बीच में। आज का छठा संघर्ष जय शिवाजी स्पोर्ट्स अनगांव और सोनटक्के स्पोर्ट्स के बीच में। और आज का पहले राउंड का जो आखिरी मुकाबला है वो गावदेवी स्पोर्ट्स शिरोले और मीत 11 कवाड़ के बीच में रहेगा। साथ ही हम दूसरे राउंड में चावे स्पोर्ट्स और नाजिफ 11 के बीच की जो विजेता टीम होगी वो उसको देखेंगे मतीन 11 ए के विरुद्ध। मतीन 11 बी का जो मैच है वो सुपेगांव स्पोर्ट्स से होने वाला है। मतीन 11 बी में बिग बर्ड फरहान खुदकर को हम एक्शन में देखेंगे। टॉस जैसे कि आप देख चुके हैं कोशिंबे स्पोर्ट्स के कैप्टन ने जीता है और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। कोशिंबे स्पोर्ट्स के कैप्टन से निवेदन है अपनी टीम को लेकर आपको मैदान में जाना है।
स्पोर्ट्स के सलामी बल्लेबाज अभी और धनंजय। बीस मिनट में चार ओवर्स पूरे करने हैं, इस बात का ख्याल रखना है। कोशिम्बे स्पोर्ट्स ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। दुगाड़ फाटा टीम की पहले बल्लेबाजी। कुंदा स्पोर्ट्स कुंदा के जो मैन ऑफ द मैच रहे थे कपिल, आपको आपका मैन ऑफ द मैच के लिए वीआईपी स्टेज पे आना है। कपिल तो जो सलामी मैच हुआ पहला मैच जारा स्पोर्ट्स और कुंदा स्पोर्ट्स कुंदा के बीच में, उसके मैन ऑफ द मैच रहे थे कपिल। मैं मलंग शेख साहब से विनंती करूंगा कपिल को मैन ऑफ द मैच दे कैमरा। ये खूबसूरत ट्रॉफी जो इरफान पिंपलास्कर द्वारा में स्पॉन्सर की गई और श्रीदेवी ज्वेलर्स भिवंडी की जानिब से वाउचर से शर्ट्स सभी टीमों को दिए गए हैं और सभी टीमों के जो खिलाड़ियों के ट्रैक पैंट है उसके कलर एक जैसे होने चाहिए अथवा दो रनों की पेनल्टी और अंपायर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। अंपायर को लगता है कि अलग अलग कलर के ट्रैक पैंट्स है तो अंपायर वहां से तुरंत पेनल्टी घोषित कर सकते हैं। मॉनिटर पे टीम का नाम सही करें कोशिम्बे है नाम। हमारे मिक्सिंग रूम से मैं विनंती करूंगा तो मैच शुरू होगा पहले दो ओवर के लिए मेरे साथी कमेंटेटर अजय घरत। धन्यवाद जकीना चन्ना। एक बार फिर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत मापोली ट्रॉफी 2018 में। धनंजय पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार होते हुए और बॉलिंग की शुरुआत करते हुए गेंदबाज अतुल। मैच की पहली गेंद अपने आप को रूम दिया कट कर दिया है। बढ़िया शॉट और बढ़िया एफर्ट फील्डर का। 100% कमिटमेंट यहां पर देखने को मिल रहा है फील्डिंग में। फील्डर्स जो है खिलाड़ी जो है अपने आप को झोंक रहे हैं, जानते हैं कि ये टूर्नामेंट बहुत बड़ा है। निश्चित रूप से अजय बढ़िया कमिटमेंट क्यों ना हो, ये हमारे देश की पुलिस है जो हमारी सुरक्षा में लगी रहती है। पवार जो कि मेजर है गणेशपुरी पुलिस स्टेशन में। इस बार ऑन साइड में खेल दिया है, फिर से गैप ढूंढने में कामयाब। इस बार सफाई से फील्ड नहीं कर पाए थे फील्डर डीप में, जब तक उठाया जाता दो रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 4 रन। लेकिन वन शॉट जी नहीं, शायद
ड्रेस पेनल्टी अंपायर घोषित कर रहे हैं। जी हाँ, दो रन पिछली गेंद पर और दो रनों की पेनल्टी एक ओवर के बाद स्कोर में ऐड कर दी जाएगी। ये पेनल्टी लगी है कोशिंबे स्पोर्ट्स को। जोरदार अपील अंदर की तरफ लाए थे, पर लगी थी और इस विकेट में थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल हमने देखा है। तो ये बात मतलब एक अंपायर के लिए भी समझना जरूरी है कि विकेट में बाउंस किस तरह का है। LBW के जो डिसीजन होते हैं वो काफी प्रभावित हो जाते हैं जब ज्यादा बाउंस विकेट में होता है। निश्चित रूप से काफी उछाल था गेंद में और शरीर पर काफी ऊपर टकराई थी। अच्छा निर्णय कहा जा सकता है अंपायर हसन मोमिन द्वारा। स्कोर इस समय 5 रन। हल्की सी शॉट थी लेकिन दिशा बहुत बढ़िया, ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, एक तरह से पोजीशन में नहीं आ पाए थे बल्लेबाज शॉट खेलने के लिए। स्ट्राइक इस समय अभी के पास, गेंदे हो चुकी है 4, स्कोर है 5 रन। एस्पायर थोड़ा सा दिशा से भटकते हुए लेग स्टंप के बाहर कर बैठे, वाइट का इशारा और एक रन उस पर चुराते हुए बल्लेबाज। दो अतिरिक्त रनों से रन संख्या बढ़ती हुई 7 रन बिना किसी नुकसान के। पावर प्ले का ओवर चलता हुआ, सुबह का सत्र, बहुत ही बढ़िया मौसम, खेलना चाहते थे कई और गेंद जा रही है वाइडिश मेडॉन की दिशा में। थोड़ी सी जल्दबाजी की शॉट लगाने में पिच पे उतर आए थे, गेंदबाज ने पहले ही भाप लिया, पैरों में रखी गेंद को, एक रन मिलता हुआ स्कोर 8 रन। वेलकम फरहान कोतकर। जोरदार अपील और फिर से अंपायर की सहमति नहीं। बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी तरह से गेंदों को अंदर की तरफ ला रहे हैं। इन कटर गेंदों का इस्तेमाल ज्यादा देखने को मिला इस ओवर में अतुल द्वारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन, अतिरिक्त के सौजन्य से ये रन मिला लेग बाय के रूप में। एक ओवर की समाप्ति 9 बिना किसी नुकसान के दुगाड़ फाटा स्पोर्ट्स और 2 रन पेनल्टी के भी स्कोर में ऐड किए जा रहे हैं, तो टोटल अब है 11 रन बिना किसी नुकसान के। दो रन फील्डिंग साइड को। ये जनाब मलंग शेख साहब और बाजिल पटेल को आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर चर्चा करते हुए इस टूर्नामेंट के बारे में। गणेश आक्रमण पर आते हुए सामना कर रहे धनंजय, छोटी गेंद, बढ़िया शॉट, गैप में खेल दिया है, फील्डर के पास अवसर नहीं, गोली की रफ्तार से गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। क्या कमाल का शॉट खेला है वहां पर। अभी के बैट से ये बाउंड्री निकली है, हालांकि रिप्ले पहले मैच का कोई शॉट था लेकिन बहुत ही करारा पुल शॉट, छोटी गेंद थी, लॉन्ग लेग की दिशा में फील्डर था, एक डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर था, दोनों को चीरती हुई निकल गई गेंद बाउंड्री के बाहर। इस बार थोड़ा सामने खेला है मिड विकेट की दिशा में, फील्डर तक कैरी नहीं की गेंद, इंतजार कर रहे थे फील्डर और इसी बीच 2 रन आसानी से पूरे किए बल्लेबाजों ने। स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन
बिना किसी नुकसान के। एक अच्छा स्टार्ट मिला है यहाँ पर, विकेट अभी तक कोई गवाया नहीं है, तो शायद आने वाले समय में और भी ज्यादा तेज गति से रन बन सकते हैं। निश्चित रूप से अजय बढ़िया शुरुआत कही जा सकती है। धनंजय द्वारा लंबे हिट लगाने का प्रयास जरूर हो रहा है, लेकिन एलिवेशन नहीं बना पा रहे, टाइमिंग नहीं कर पा रहे अपने शॉट्स को। इस बार लॉन्ग ऑन की जानिब खेलते हुए, ओ यहाँ पर दो की कोशिश और रनआउट का अवसर, लीजिए रनआउट के रूप में विकेट गिरता हुआ पहला झटका। अच्छा खेल रहे थे अभी, लेकिन रनआउट होकर पेविलियन में लौटते हुए काफी ज्यादा जोखिम उठाया मैं समझता हूँ, क्योंकि सीधे गेंद लॉन्ग ऑन फील्डर के पास चली गई थी, वहां पर दूसरा रन बनना काफी मुश्किल था। फील्डर की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने जो थ्रो किया था वो सटीक और सही एंड पर किया। निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया थ्रो था सीधे विकेट कीपर के हाथों में, और कोई गलती नहीं की विकेट कीपर ने, पहली सफलता मिलती हुई यहाँ पर। चावे स्पोर्ट्स और नाजिफ 11 दोनों टीमों के कर्णधार से विनंती है कि वो टॉस बॉक्स में आ जाए। नए बैट्समैन चेतन, लोअर फुल टॉस गेंद, अच्छा ड्राइव, लेकिन पहले बाउंस पर गेंद पहुंचती हुई लॉन्ग ऑफ फील्डर के पास, सिर्फ एक रन से संतुष्ट हुए बल्लेबाज। अपना खाता खोलते हुए चेतन, रन संख्या 19 एक विकेट के नुकसान पर। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मैच में दुगाड़ फाटा स्पोर्ट्स। एक बहुत ही अच्छा विकेट इस टूर्नामेंट के लिए बनाया गया है। इस बार डीप मिड विकेट की दिशा में जमीन के सतह से खेला, दो की कोशिश, तेज दौड़ और बढ़िया दौड़, दो रन पूरे। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट अजय, यहां पर लंबे हिट नहीं लग रहे हैं, तो एक रन को दो रन में कन्वर्ट करके अपनी रन गति को बढ़ाते हुए यहां पर दुगार भाटे के बल्लेबाज धनंजय। और ये एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी भी होती है, जब बाउंड्रीज नहीं आती है तो बड़ा ग्राउंड है तो उसका उपयोग भी करना चाहिए। फील्डर के पास भी सीधी पहुंचती है तो आप तेजी से पहला रन लेते हैं, आउटफील्ड में गेंद जाती है तो दो रन बन सकते हैं, वही दिखाते हुए यहां पर चिकेन अपील और आउट, स्टंप्स कर दिए गए हैं। दूसरा झटका लगता हुआ दुगाड़ फटा स्पोर्ट्स को। सात रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए सलामी बैट्समैन धनंजय, और अभी ने भी आउट होने से पहले सात रनों का योगदान दिया था, तो दोनों भी सलामी बल्लेबाजों ने सात सात रनों का योगदान दिया। दो ओवर के बाद 21 रन दो विकेटों के नुकसान पर, इरशाद अंसारी और उनके साथ मुनाफ पटेल मैच का लुत्फ उठाते हुए। ये मलंग शेख, बाजिल पटेल और रमीज पटेल आपकी स्क्रीन पर इस समय, मारूफ भाभे भी है वहां पर जो कि जूनियर भाभे के नाम से काफी मशहूर है। अच्छी कमेंट्री करते हैं। अतीक भी वहां पर नजर आए। दो ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 21 स्कोर इस समय दो विकेटों के नुकसान पर, अभी भी दो ओवर्स का खेल पारी में शेष। तो मनोहर तैयार यहां पर, इस बार बीमार गेंद बल्ले से लगी, लॉन्ग लेग के क्षेत्र में गई, विमर का इशारा आता हुआ, तो कुल मिला के दो रन स्कोर में जुड़ते हुए और एक फ्री हिट भी यहां पर मिलेगा बल्लेबाज को, स्कोर जा पहुंचा 23 रन। फ्री हिट स्वप्निल खेलेंगे, इस पे सिर्फ बल्लेबाज रन आउट ही हो सकता है, तो एक मौका है स्वप्निल के पास।
थोड़ी हैरानी हो रही है मुझे कि कई गेंदबाज बीमर गेंदे कर रहे हैं। मनोहर इस बार फिर से फुल टॉस गेंद थी, शरीर से काफी दूर से खींच के मारा, कैच जरूर मिड विकेट पे पकड़े, दूसरे रन के लिए निकल पड़े, रन आउट का एक मौका हो सकता है, लेकिन थ्रो उतना सटीक नहीं। कुल मिला के दो रन खाते में जोड़ते हुए स्कोर जा पहुंचा 25 रन। चलिए थोड़ा तो लाभ उठाया फ्री हिट गेंद का। देखिए जकीना चंद, यदि आप और मैं गेंदबाजी करने जाए तो शायद हमसे बीमर हो सकती है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन जो प्रैक्टिस में खिलाड़ी है, रेगुलर क्रिकेट खेल रहे, वो भी बीमर गेंदे कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। निश्चित रूप से थोड़ा सा वार्म अप होना जरूरी है। जब भी गेंदबाज गेंदबाजी के लिए आता है, अपने कंधों को उसने खोलना चाहिए, थोड़ा सा वार्म अप करना चाहिए। मनोहर इस बार फिर से फुल टॉस गेंद थी, लो फुल टॉस गेंद थी, सीधे फील्डर के हाथ में मारा, वन बाउंस पहुंचती हुई एक रन लेने में सफल हुए यहां पे स्वप्निल। एक रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 26 रन। मनोहर तो ऐसे लग रहा है कि शायद उनको पिच से नफरत है, पिच पर गेंद ही पिच नहीं करा रहे हैं, लगातार फुल टॉस गेंदे। मनोहर इस बार दिशा से भटकते हुए व्हाइट का इशारा था अंपायर हसन मोमिन द्वारा, एक रन स्कोर में पड़ता हुआ स्कोर आगे जा पहुंचा 27 रन। चावे स्पोर्ट्स और नाजिफ 11 दोनों टीमों के कर्णधार से विनंती है कि टॉस बॉक्स में पहुंच जाए। मनोहर इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी, अच्छा गैदर किया, विकेटों से जरूर लगाया विकेट कीपर ने, लेकिन अपने क्रीज में मौजूद थे बल्लेबाज चेतन, डॉट होती हुई गेंद 27 रनों पे रुका हुआ स्कोर। इस बार पवार की बढ़िया गेंद थी, थोड़ी सी लेंथ को दिशा में रखा था, थोड़ा सा पेस में भी परिवर्तन किया था, बल्लेबाज समझ नहीं पाए थे। इस बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप पे चकमा देती हुई बल्लेबाज को, फुटवर्क का कोई भी नजारा नहीं यहाँ पे देखने मिला बल्लेबाज द्वारा, जगह पे से ड्राइव लगाने की कोशिश, बीट होते हुए ऑफ स्टंप। थोड़ा सा समय लिया मनोहर पवार ने, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि रिदम में आते हुए दो अच्छी गेंदे ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे हैं और बल्लेबाज फुटवर्क का उपयोग ज्यादा नहीं कर रहे हैं। इस बार अपील जरूर हुई, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम, अंपायर उससे सहमत नहीं, लेकिन लगातार अजय यहां पे तीसरी डॉट गेंद, अब रिदम में लौटते हुए पवार। जी हाँ, बढ़िया उपलब्धि कही जा सकती है गेंदबाज के लिए, तीन लगातार डॉट गेंदे करना मतलब एक बड़ा विकेट प्राप्त करने के बराबर है टेनिस क्रिकेट के खेल में। इस बार ऊंचा हिट, पवार गेंद के नीचे कैच छूटता हुआ दूसरे रन के लिए निकल पड़े, रन नहीं हुआ है वहां पर क्योंकि नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज ने अपनी क्रीज नहीं छोड़ी थी, रन लेने का प्रयास नहीं हुआ उनके द्वारा, तो डॉट होती हुई गेंद। तो तीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है, यहां पे रन बने हैं 27। समय है मेरे पास, हमारे बीच में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ज्येष्ठ नेता, हमारे काबिल दोस्त और क्रिकेट में कई वर्षों से उनका सहयोग रहा है, ऐसी शख्सियत मोहतरम मलंग शेख का एक भव्य सत्कार यहाँ पे होने जा रहा है। मलंग शेख, बाजिल पटेल, रमीश पटेल, इनके हाथों से भव्य सत्कार। मलंग शेख हिंदुस्तानी केबल के प्रोपराइटर, हिंदुस्तानी क्रिकेट की मदद से उन्होंने इस क्षेत्र के बच्चों को भिवंडी में क्रिकेट खेलने का पहला अवसर दिया, ऐसे मलंग शेख, उनका भव्य सत्कार यहाँ पर। और एक खूबसूरत सा गुलदस्ता यहाँ पर पेश किया जा रहा है इरशाद अंसारी, बाजिल पटेल, रमेश पटेल द्वारा। मलंग शेख, आपका सहयोग इसी तरह अगले वर्षों में भी हमें बना रहे, ऐसी हम विनंती करते हैं और ऐसी आशाएं भी रखते हैं। फिर से आपको ग्राउंड की ओर ले चलते हैं, 27 रन चौथी और अंतिम ओवर लेकर रोहित सामना करेंगे स्वप्निल। इस बार फोर्स किया, लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद, कोई गलती नहीं की, एक आसान सा कैच और विकेट गिरता हुआ यहां पे स्वप्निल का।
ओवर में लगातार डॉट गेंदे खेली चेतन ने, उसका दबाव स्वप्निल पर आ गया था। ऑफ स्टंप के काफी बाहर की गेंद थी और बाउंड्री लंबी है सामने, काफी ऊपर खेल बैठे, आसान सा कैच वहां पर लॉन्ग ऑन फील्डर के लिए, अच्छा कैच लिया। अजय इस वर्ष देखा जाए तो 10 से 12 फीट जो बाउंड्री लाइन है उसको पीछे किया गया है। अगर आप एलिवेशन नहीं बना पाए, उतनी पावर आपके स्ट्रोक में नहीं, तो अक्सर हमने देखा है कि लॉन्ग ऑन पर बल्लेबाज आउट हो जाते। और ये पिछले साल का खेल देखते हुए यहां पर परिवर्तन किया गया। इस बीच बल्ले का एज लगा और विकेट गिरता हुआ। हमारे दरमियान महापौली की शान फरहान पटेल साहब का आगमन होता हुआ, उनका आज तीसरे दिन महापौली ट्रॉफी में हार्दिक स्वागत। अपनी तो जैसे तैसे रेगुलेशन कैच, आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए, कोई गलती नहीं की। मोहतरम फरहान पटेल साहब तशरीफ ला चुके हैं, आपका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत। इस टूर्नामेंट के टेलीकास्ट के लिए काफी सहयोग हमें दिया है जनाब मलंग शेख साहब और माननीय श्री राजेश शेट्टी साहब ने। इस समय क्रीज पर दोनों भी बल्लेबाज जो है वो जयेश पाटिल और जयेश पाटकर, जयेश पाटिल सामना करते हुए। बैकफुट पंच, गेंद हवा में, हैट्रिक गेंद है और हैट्रिक पूरी होती हुई, शानदार गेंदबाजी रोहित की। 777 रुपए का चेक जो कि फराज ठनवल ठाणे जिला युवा राष्ट्रवादी कांग्रेस के उपाध्यक्ष, उनकी जानिब से 777 रुपए का इनाम, हैट्रिक विकेट, हैट्रिक सिक्स और हैट्रिक बाउंड्री के रखा गया है। दूसरे गेंदबाज बने हैं इस मापोली ट्रॉफी 2018 में हैट्रिक लेने वाले रोहित। सबसे पहले रॉयल झटके के मोनिश ने हैट्रिक लिया था पहले दिन के खेल में, और ये दूसरा हैट्रिक। देखिए काफी ऊपर खेल बैठे थे, पूरी तरह से मिसटाइम कर बैठे, कवर पॉइंट की दिशा में अच्छा कैच लिया फील्डर ने। फील्डर्स का अहम योगदान रहा है इस हैट्रिक में, पहला कैच लॉन्ग ऑन पर, उसके बाद विकेट कीपर ने कैच लिया, तीसरा कैच कवर पॉइंट की दिशा में। खाता भी नहीं खोल पाए जयेश पाटिल, इस बार हाफ वॉली में लेकर ड्राइव कर दिया है, बॉलर की सिर के ऊपर से, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है। और ओवर थ्रो, पीछे कोई भी फील्डर नहीं है बैकअप करने के लिए, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, मिलेंगे यहां पर पूरे 5-6 रन। जी हाँ, 6 रनों का इशारा किया है अंपायर फारूक बड़ी ने। छह रनों का तोहफा, जहां पर एक रन बनना चाहिए था, सोच अच्छी थी वहां पर फील्डर की, लेकिन थ्रो जो किया उन्होंने वो बाउंस पर किया और फील्डर्स के ऊपर से निकल गई, विकेट कीपर के पास भी अवसर नहीं था। इस बार ऊपरी सिरा, बढ़िया कैच, शानदार कैच लेते हुए विकेट कीपर, एक और विकेट का पतन। पारी में अभी भी एक गेंद शेष और इस समय स्कोर 33 रन। जी हाँ, क्रिकेट का खेल तो ऐसा है कि यहाँ अगली गेंद पर क्या हो ये कोई नहीं जानता है। बहुत दूर से ड्राइव लगाने का प्रयास, मोटा सिरा, ऊपरी सिरा और बढ़िया कैच, विकेट कीपर अपनी दाई तरफ जाते हुए कंप्लीट किया उन्होंने। 33 रन, 6 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी गेंद का सामना करेंगे नए बल्लेबाज राजेश बायत के बल्लेबाज। ऑन साइड में काफी ज्यादा प्रोटेक्शन, 5 खिलाड़ी बाउंड्री पर नजर आते हुए, ऑफ साइड में 2 सर्कल के अंदर और 2 बाउंड्रीज पर।
छोटी गेंद पुल किया है लेकिन फील्डर के पास डीप मिड विकेट पर कोई गलती नहीं और इस ओवर में गिरने वाला ये पांचवा विकेट लाजवाब गेंदबाजी की रोहित ने। पांच विकेट लेकर सिर्फ 6 रन खर्च किए और उसमें एक हैट्रिक भी शामिल। तो पारी की समाप्ति हो चुकी है, 33 रन बनाए हैं 7 विकेटों के नुकसान पर। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने के बाद दुगाड़ फाटा स्पोर्ट्स ने और कोशिंबे स्पोर्ट्स के सामने चुनौती है 34 रनों की। आइए आपको लेकर चलते हैं टॉस बॉक्स में जहां पर अगले मैच का टॉस होने जा रहा है। धन्यवाद अजय खरत। तो यहां पे टॉस होने जा रहा है चावा स्पोर्ट्स और नाजिफ 11 के बीच। दोनों टीमों के कर्णधार से गुजारिश है कि टॉस बॉक्स में आ जाए। साथ ही मलंग शेख साहब और शाकिर खान दोनों से मेरी विनंती है कि वो टॉस बॉक्स में आ जाए। एक जरूरी ऐलान मैं यहां पे करना चाहूंगा। विनंती है, मेरी गुजारिश है उन बच्चों से, दसवीं के बच्चों से जो यहां पर मौजूद है। बच्चों आपके पास और 10-12 दिन मौजूद है। आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर भिवंडी से आए हुए शमून मद्दू साहब का लेक्चर हाईस्कूल में चल रहा है। कुछ बच्चे अब्सेंट है, मेरी उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी वो लेक्चर अटेंड करें। 10-12 दिन और बचे हुए इस टूर्नामेंट का आप फायदा उठा सकते, बराए मेहरबानी आप स्कूल में पहुंच जाए। तो यहां पर टॉस होने जा रहा है, हमारे मेहमान मलंग शेख और मापोली साइड मोहम्मद रफी शाकिर खान हमारे बीच। तो टॉस चावा स्पोर्ट्स चावा और नाजिब इलेवन के बीच में टॉस है। एक साइड वकी स्पोर्ट्स महापोली, दूसरे साइड इस ट्रॉफी महापोली ट्रॉफी 2018। किसकी कॉल? तो फाइक पटेल का कॉल, महापोली ट्रॉफी और वकी स्पोर्ट्स आया है। तो टॉस जीता चावा स्पोर्ट्स चावा ने। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, धन्यवाद मलंग शेख शाकिर खान। सॉरी, हम मलंग शेख के हाथों से एक गिफ्ट देंगे जीतने वाली टीम, टॉस जीतने टीम को। मलंग शेख, तो टॉस जीता है चावा स्पोर्ट चावा ने। तो मेरे साथ मौजूद है चावे के कर्णधार किशोर। किशोर क्या निर्णय रहेगा आपका? फर्स्ट फील्ड करेंगे हम। फील्ड करेंगे सामने के खेलने वाली टीम है नाजिफ 11। तो कितने रनों तक रोकना चाहिए उनको? कम से कम रनों पे रोकने की कोशिश करेंगे हम लोग। आप महापोली से करीब है, पिछले वर्ष भी चावा स्पोर्ट्स का काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था इस ग्राउंड पे। तो किस तरीके की अपेक्षा रखते हैं आप आपकी टीम से? देखिये, अपने हमारी तरफ से अच्छा क्रिकेट का प्रदर्शन करने चाहेंगे हम लोग और धीरे धीरे आगे जाने की कोशिश करेंगे। इस टूर्नामेंट के बारे में क्या कहेंगे? आपके परिसर में करीब है पर आपके चावे से महापोली, किस तरीके का टूर्नामेंट आप इस वर्ष देख रहे हैं? बहुत अच्छा आयोजन किया है महापोली ट्रॉफी 2018 में। हमारे एरिया का ये हम लोग वर्ल्ड कप ही मानते हैं जैसा वैसा आयोजन किया है। थैंक्स टू महापोली, धन्यवाद। मेरे साथ फाइक पटेल जो कि नाजिफ 11 के कर्णधार। फाइक, आप पहले बल्लेबाजी करने चाह रहे, कितने रनों तक जाना चाहेंगे? 50 क्रॉस जाना चाहेंगे चार ओवर के मैच में। तो 50 क्रॉस करने के लिए कौन से बल्लेबाज रहेंगे आपकी टीम में जो 50 रनों से ज्यादा तक जाने में आपकी मदद करेंगे? आमीन है, आसिफ है, बहुत से दूसरे भी खिलाड़ी है, सबसे उम्मीद है कुछ ना कुछ। सबसे ज्यादा उम्मीद है किससे है फाइक पटेल? आमीन से। आमीन से, और आप किस नंबर पे बल्लेबाजी करेंगे? वो तो अभी पवेलियन में डिसाइड होगा। और नाजिफ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का परफॉर्मेंस रहेगा नाजिफ का? नाजिफ से भी काफी उम्मीद है, बहुत फॉर्म में चल रहे नाजिफ। तो धन्यवाद। तो न्यूज है कमेंट्री बॉक्स से, टॉस जीता है चावा स्पोर्ट्स चावा ने, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। तो अगले मैच में नाजिफ 11 पहले बल्लेबाजी करने जा रही है। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद जकी नाचन। चलते हैं मैदान में जहां पर 34 रनों की चुनौती है मैच को जीतने के लिए कोशिंबे स्पोर्ट्स के लिए। दोनों सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं, अतुल और प्रमोद। पहली गेंद लेकर धनंजय, चिपकिया मिड ऑन के ऊपर से,
थोड़ा सा जोखिम जरूर था लेकिन मिडॉन को क्लियर किया। डीप में फील्डर मौजूद थे, बढ़िया फील्डिंग, तब तक दो रनों से अपना खाता खुला अतुल ने, और साथ ही खाता खुलता हुआ कोशिम्बे स्पोर्ट्स का। टारगेट है 34, 34 रनों का। धनंजय राइट आम ओवर द विकेट, इस बार उछाल दिया है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर नहीं है वहां पर, एक बाउंस और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। बहुत ही बढ़िया शॉट था अजय जी। हाँ, बहुत अच्छी पोजीशन में आ गए थे, थोड़ा सा ऑफ स्टंप की तरफ आ गए और कलाइयों का थोड़ा सा उपयोग था उस स्ट्रोक में। ये देखिए किस तरह से ये शॉट खेला गया है, काफी ऊपर चली गई थी गेंद लेकिन पावर प्ले चल रहा है, और अच्छी बात यह थी कि खाली क्षेत्र में खेला था, दो ही खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर है। आवश्यक रन रेट पारी की शुरुआत से हम देखें तो 8.50 रन प्रति ओवर का। धीमी गेंद, पिच खेला मिड ऑफ के ऊपर से, बढ़िया टाइमिंग और मिलेंगे 4 रन। गेंद की पिच तक नहीं थे और यहां पर डायरेक्ट हिट, रन आउट की अपील लेकिन अंपायर की सहमति नहीं, दूसरे रन के लिए पलटना चाहते थे लेकिन फिर देखा कि फील्डर तेजी से झपटे हैं, तुरंत अपने कदम वापस खींच लिए अपनी क्रीज में अतुल ने। स्कोर आगे जाता हुआ 11 रन बिना किसी नुकसान के, काफी अच्छी शुरुआत कोशिम्बे स्पोर्ट्स की। इसी बीच राय से नजीब बुंगले साहब के कॉम्प्लीमेंट आते हुए इस टूर्नामेंट के लिए, बढ़िया गेंद, इस बार ठीक तरह से खेल नहीं पाए थे, दुविधा में थे बैट्समैन, खेले कहां पर, ऑफ साइड में खेले या फिर ऑन साइड में, सीधे बैट से आखिरकार खेलने की कोशिश की थी लेकिन किस्मत वाले है कि गेंद ज्यादा देर हवा में नहीं गई। रन संख्या 12 सामना करते हुए अतुल, इस बार बेहतरीन स्ट्रोक गेंदबाज के सिर के ऊपर से, 4 रन। बहुत ही आकर्षक शॉट, बहुत ही जबरदस्त कैमरा वर्क भी वहां पर, आपने आपको थोड़ा सा रूम दिया, हल्की सी छोटी गेंद थी, गेंदबाज के ऊपर से पंच किया उसको 4 रनों के लिए। शानदार शुरुआत अतुल की और कोशिम्बे स्पोर्ट्स की, एक ओवर के बाद 16 रन बिना किसी नुकसान के, तो 16 में से 15 रन अतुल के बैट से निकले हैं, 1 रन प्रमोद के बैट से, जीतने के लिए अब केवल 18 रनों की जरूरत, 18 गेंदे शेष। दबाव पूरी तरह से विपक्षी टीम पर डाल दिया है अतुल ने, अतुल की अतुलनीय बल्लेबाजी अभी तक रही है इस अतुलनीय मापुली ट्रॉफी 2018 में, क्रिकेट इनक्रेडिबल, मापुली क्रिकेट धमाका। ये आप देख सकते हैं मलंग शेख साहब, फरहान खोदकर जो कि बिग बर्ड के नाम से काफी मशहूर है,
उनको भी आज एक्शन में हम देखेंगे और बासिल पटेल वहां पर ज्यादा शॉट नहीं थी लेकिन समय था बैट्समैन के पास पुल किया उसको नियंत्रित स्ट्रोक था दो के लिए जाना चाहते थे लेकिन मना किया वहां पर अतुल ने इस सिंगल के साथ प्रमोद पहुंचे दो पर बासिल पटेल भी आज खेलेंगे आसानी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए दोनों भी सलामी बल्लेबाज एक स्लिप की दिशा में फील्डर नजर आता हुआ एक खिलाड़ी शॉर्ट कवर में सिंगल बचाने की कहीं ना कहीं अब कोशिश करेंगे गेंदबाज और ये कोशिश करनी ही होगी क्योंकि रन बॉल इक्वेशन इस बार इनसाइड आउट ड्राइव गेंद हवा में लेकिन फील्डर से पहले ही टप्पा खाती हुई वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर सफाई से फील्ड किया वहां पर तब तक एक रन पूरा करते हुए अतुल अच्छे शॉट्स खेल रहे हैं अतुल बल्ले के बीचों बीच लेकर खेल रहे ये खासियत है लगातार फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए कैप्टन इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाकर खेलने का प्रयास था गेंद लेग स्टंप के बाहर जाती हुई वाइट का इशारा स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन बिना किसी नुकसान के 34 रनों का लक्ष्य है बढ़िया गेंदबाजी रही कोशिंबे स्पोर्ट्स की ओर से टॉस जीता था कोशिंबे स्पोर्ट्स ने और अच्छी बल्लेबाजी भी अभी तक रही है सामना करते हुए विकास की गेंद का प्रमोद इस बार बिल्कुल बल्ले की जड़ से उसको ड्राइव किया है ऑन साइड में डीप मिड विकेट पर जब तक फील्डर उठाते और थ्रो करते दो रन बहुत ही बड़ा ग्राउंड है उस दिशा में तो कई बार हमने देखा है कि सीधे भी फील्डर के पास ट्रेवल होती है गेंद तो दो रन ली जाते हैं बल्लेबाज लंबा फासला भी गेंद को तय करना पड़ता है जब थ्रो पहुंचता है उसमें भी थोड़ा सा अतिरिक्त समय जाता है यानी कि वहां से जो फील्डर्स थ्रो करते हैं उनके थ्रो बहुत ही तेज होने चाहिए या फिर फील्डर को बहुत जल्दी से गेंद पर झपटना चाहिए तब जाकर जो अतिरिक्त रन बल्लेबाज बनाते हैं वो बचा सकते हैं विकास राइट आर्म ओवर द विकेट इस पर लॉफ्ट करने का प्रयास था गेंद की लेंथ को और गेंद की जो दिशा थी और उसकी गति थी उसको परख नहीं पाए थे पहले ही मन बना लिया था कि एक बड़ा शॉट खेलना है उस हिसाब से बल्ला चलाया निश्चित रूप से इस बार पेस में परिवर्तन किया था विकास ने थोड़ी सी धीमी गेंद की थी और बल्लेबाज जगह पे से ड्राइव लगाने की कोशिश में बीट होते हुए ऑफ स्टंप इस बार अतिरिक्त रन मिलेगा लेग स्टंप के काफी बाहर भटकते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन विकेट की तलाश में है गेंदबाज यहां से विकेट यदि नहीं निकाल पाते हैं तो फिर बड़ा ही मुश्किल है मैच को जीतना दुगाड़ फाटा स्पोर्ट्स के लिए क्योंकि ज्यादा रन बल्लेबाजों ने बनाए नहीं फिर भी एक फाइटिंग स्कोर था जकीन अचिन लेकिन गेंदबाजी पहले ओवर में निराशाजनक रही धनंजय की 16 रन खर्च किए इस बार शरीर के काफी करीब आती हुई गेंद थी उसको पंच किया है पॉइंट पर अच्छा शॉट सिंगल लेते हुए प्रमोद स्ट्राइक अपने पास रखेंगे अगले ओवर के लिए जी नहीं अभी भी एक गेंद शेष है इस ओवर में कुछ गेंदे शेष है इस ओवर की बॉटम एंड का उपयोग किया ड्राइव लेकिन सीधे फील्डर के पास चली गई थी शॉर्ट मिड विकेट पर सफाई से उठा नहीं पाए थे अथवा ये मौका बन सकता था रन आउट का अब जाकर ओवर समाप्त होता हुआ मजबूत स्थिति में कोशिंबे स्पोर्ट्स 24 रन बगैर किसी नुकसान के इस बीच हमारे दरमियान महापुली की एक मोहतरम शख्सियत जनाब फहीम भाबे साहब का आगमन होता हुआ उनका हार्दिक स्वागत उनके साथ में सलाम शेख और गफ्फार भाई इनका मापोली ट्रॉफी 2018 में हम इस्तकबाल करते हैं तो गेंदबाजी के भार संभाले हुए जयेश पाटकर 34 रनों का पीछा करते हुए कोशिंबा स्पोर्ट
जयेश अपने बॉलिंग मार्ग पर सामना करेंगे अतुल, फिर से अपने स्टेप में कुछ चूकते हुए वहां पर गेंदबाज जयेश, जयेश हमसे दूर जाते हुए पहली गेंद रिवर्स शॉट और बढ़िया वहां पर फील्डिंग, एक रन मिला दूसरे रन के लिए निकल पड़े और तेज कदमों से यहां पर दो रन पूरे होते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 26 रन। बहुत ही बढ़िया शॉट खेला था वहां पर अतुल ने, लेकिन उतनी ही बढ़िया फील्डिंग डीप बैकवर्ड पॉइंट पर और पूरे नियंत्रण में नजर आए बल्लेबाज अतुल। तीन चौके लगा चुके हैं अपनी इस पारी में जयेश, इस बार ऑफ स्टंप पे काफी ज्यादा शफल किया था, स्टंप के ऊपर से जाती हुई गेंद भाग्यशाली रहे स्टंप से नहीं टकराई डॉट होती हुई गेंद। विकेट में जो अतिरिक्त उछाल है उससे बल्लेबाज परेशानी में रहते हैं, लेकिन कभी कभी इस तरह से गेंद स्टंप के ऊपर से भी जाती है तो बल्लेबाजों को एक थोड़ा सा एडवांटेज उस हिसाब से मिल जाता है। इस बार इनसाइड आउट, फील्डर वहां पे मौजूद, कोई गलती नहीं की, विकेट गिरता हुआ यहां पे अतुल का। बढ़िया बल्लेबाजी करने के बाद आउट हुए अतुल, 19 रनों का योगदान दिया, खेलना चाहते थे इनसाइड आउट, लेकिन ये देखिए गेंद बल्ले के थोड़ी सी कहीं ना कहीं बाहर लगी है और ज्यादा ताकत से खेलने का प्रयास नहीं किया, मिस टाइम कर बैठे, अच्छा कैच लिया फील्डर ने। बढ़िया साझेदारी रही सलामी बल्लेबाज अतुल और प्रमोद के बीच में, पहला विकेट गिरता हुआ यहां पर, टीम का कुल योग 26 रन। एक ब्रेक थ्रो दिलाया यहां पर जयेश पातकर ने, नए बल्लेबाज सागर, जबकि जयेश की गेंदों का सामना करेंगे प्रमोद। बार फिर से ऑफ स्टंप पे शफल किया, हुक करने की कोशिश, स्टंप के ऊपर से जाती हुई गेंद डॉट होती हुई, इसको रुका हुआ 26 रन। अब लग रहा है कि अपनी टीम को मैच में वापस लेकर आ रहे हैं गेंदबाज, 8 गेंदों में 8 रनों की जरूरत। इस बार बहुत ही बढ़िया ड्राइव, फील्डर वहां पे मौजूद, अच्छी फील्डिंग, एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ा बल्लेबाज को, स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 27 रन। बहुत ही बढ़िया ड्राइव और उतनी ही बढ़िया फील्डिंग लॉन्ग ऑन के फील्डर द्वारा। जी हाँ, फील्डर थोड़े से दूर थे लेकिन बहुत तेजी से पहुंचे थे, दूसरे रन का मौका नहीं दिया वहां पर बल्लेबाजों को। थोड़ी सी दिलचस्पी पैदा होती हुई इस मैच में, 7 गेंदों में अब 7 रन चाहिए। इस बार बल्ले का एज लगा, लॉन्ग लेग की क्षेत्र में गई गेंद, फील्डर वहां पे मौजूद, दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे, मना किया वहां पे प्रमोद ने, एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ा बल्लेबाज को, स्कोर 28 रन। तो 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी यहां पर, 3 ओवर की समाप्ति पर रन बने 28। बढ़िया गेंदबाजी रही जयेश द्वारा, मात्र 4 रन खर्च किए, अब 6 गेंदे और 6 रनों की आवश्यकता, कंपलसरी 6 रन बनाने होंगे कोशिंबे को जहां तक मैच जीतने का सवाल। ये तन्मय प्लेयर्स पवेलियन का मेरे ख्याल से नजारा है, ये स्टैंड दिखाया जा रहा है यहां पर, इस वर्ष किरण में थोड़ी सी तब्दीली की गई, 4 स्टैंड बनाए जिसका भरपूर फायदा उठा रहे हमारे दर्शक। कादिर अहमद शेख स्टैंड, नसीम उर्फ पापा फाबे स्टैंड, वकीन एचन स्टैंड, अब दिखाया जा रहा है तन्मय प्लेयर्स पवेलियन। तो 6 गेंदे 6 रनों की आवश्यकता अभी। इस बार फुल टॉस गेंद फोर्स किया,
एलिवेशन नहीं बना पाए, बहुत ही बढ़िया कैच अपने ही फॉलो थ्रो में गेंदबाज अभी सागर का विकेट यहां पे गिरता हुआ। उम्मीद की किरण जागती हुई इस मैच में दुगाड़ फाटा स्पोर्ट्स के लिए। कमजोर गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर की फुल टॉस गेंद, ऊपर लगी है बैट के टॉपेच और बहुत ही शानदार कैच। पीछे भाग रहे थे, बहुत मुश्किल अवसर था, लेकिन उनको पता है कि इस तरह के कैचेस अब लेने ही होंगे क्योंकि ज्यादा रन्स बचे नहीं है, 5 गेंदें बची है, 6 रनों की जरूरत। निश्चित रूप से अजय रोमांच मैच में आता हुआ, 6 रन कंपलसरी बनाने होंगे। नए बल्लेबाज आए हैं, कैलाश। इस बार फिर से उसी तरीके का शॉट, फील्डर इस बार कैच नहीं ले पाए, थोड़ी सी आगे गिरी गेंद, 2 रन लेने में सफल हुए बल्लेबाज। एक मौका था अजय यहां पर, अगर एक कैच ले लेते तो मैच का रुख कुछ और हो जाता था। इस बीच 2 रन मिलते हुए स्कोर आगे जा पहुंचा 30 रन, 4 गेंदे 4 रनों की आवश्यकता। बहुत कुछ घटता हुआ मैदान के अंदर, पहली गेंद फुल टॉस, उस पर कैच किया गेंदबाज ने, ये कैच निश्चित रूप से ले सकते थे फील्डर लेकिन गलती कर बैठे। इस बार पिच की जर से निकाला, 1 रन लिया, मिड ऑफ पे दूसरे रन के लिए निकल पड़े, रन आउट का मौका हो सकता था, थोड़ा देरी से थ्रो जाता हुआ, सुस्ती बरती वहां पे मिड ऑफ के फील्डर द्वारा और 2 रन मिलते हुए स्कोर आगे जा पहुंचा 32 रन। जयेश पाटिल फिर से, उनसे गलती होती हुई, कैच भी उनके हाथों से छूटा था। इस बार भी अच्छा अवसर था क्योंकि यहाँ पर 2 रन मिड ऑफ की दिशा से बल्लेबाजों ने चुरा लिए है, सफाई से फील्ड करते तो निश्चित रूप से रनआउट का अवसर बन सकता था। और अब लग रहा है कि मैच धीरे धीरे हाथ से निकलता हुआ दुगाड़ फाटा स्पोर्ट्स टीम के, 12 रन बने, 32 रन बने हैं और जीतने के लिए अब केवल 2 रन चाहिए, 3 गेंदे शेष, 3 गेंदे 2 रनों की आवश्यकता। और अब फील्डिंग को थोड़ा सा क्लोज किया जा रहा है, जहां सिली पॉइंट की दिशा में एक खिलाड़ी लाए हैं, एक फॉरवर्ड शॉर्ट लेग है। इस बार कैप निकाला, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन का और मैच समाप्त। तो इस मैच के मैन ऑफ द मैच है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा गेंदबाजी में, एक हैट्रिक विकेट भी ली उन्होंने, मैन ऑफ द मैच रोहित। मैन ऑफ द मैच रोहित ट्रॉफी देंगे, फहीम बाबे साहब से मेरी विनंती है कि वो ट्रॉफी दे, जो कि स्पॉन्सर रोहित, रोहित कैमरे के सामने आना आपको। और 700